हेलो दोस्तों, आज हम बैंगन का भुजिया बनाने जा रहे हैं। सुबह सुबह नाश्ते में बैंगन का भुजिया और पराठा हो तो मज़ा आ जाए। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से हम बैंगन का भुजिया बनाएंगे। इसमें ये आधा केजी बैंगन है, दो टमाटर है, लाल मिर्च है, खड़ा लाल मिर्च, और लहसुन, कतरा हुआ लहसुन है। सबसे पहले गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई गरम करेंगे। छः सात चम्मच तेल लेंगे। सबसे पहले तेल गरम हो गया है, सबसे पहले मिर्ची और लहसुन को इसमें चटकाएंगे। जब ये चटक जाएगा तब इसमें बैंगन डालेंगे। बैंगन बनाने में गैस को हमेशा तेज़ आंच पर बनाइएगा। बैंगन को तेज़ आंच पर कम कीजिएगा तो बैंगन का स्वाद खराब हो जाएगा। जब भी कोई भी बैंगन का सब्जी बनाइए, तेज आंच पर उसको लाल कीजिएगा। लहसुन और मिर्ची चटक गया है, अब इसमें बैंगन डालेंगे। बैंगन डालने के बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डाल के इसको ढक कर पकाएंगे, थोड़ी थोड़ी देर पर चला चला के। जब इस तरह से बैंगन गल जाए तो इसमें टमाटर डाल देंगे। अब इसको 2 मिनट टमाटर डाल के भूनेंगे। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। इसमें 1 चुटकी कसूरी मेथी, बस, और कोई सामान नहीं डालना है। एकदम टेस्टी बैंगन का भुजिया बनेगा। ऐसी को भूनते हुए इसको 2-3 मिनट और भुनाएगा। अब इसको ढकने का ज़रूरत नहीं है, अब खुले में इसको पकाएं। भूनते हुए इस तरह से हो जाएगा, देखिए इस तरह से। अभी बैंगन का भुजिया बन चुका है। इसमें एक बूंद पानी नहीं डालना है। पानी डालिएगा तो इसका स्वाद खराब हो जाएगा। अगर आपको खड़ा बैंगन पसंद है तो इसी तरह से रहने दीजिए। अगर खड़ा बैंगन पसंद नहीं है तो हल्का इस तरह से कर दीजिए। बैंगन का भुजिया बनकर रेडी है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।